नमस्कार दोस्तों, IMT20 शिवानी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शिवानी तिवारी। जीवन में ये दुख व्यक्ति को तोड़कर रख देते हैं, इनसे निकल पाना आसान नहीं होता। कहा जाता है कि सुख और दुख जीवन में धूप और छांव की तरह होते हैं, जो समय के साथ साथ आते जाते रहते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में ऐसे दुखों का वर्णन किया है जो किसी इंसान पर जब आते हैं तो उस व्यक्ति को अंदर से तोड़कर रख देते हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद उन दुखों से बाहर निकल पाना आसान नहीं होता। नंबर 1, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रहना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। ऐसा स्थान पर रहना उसके लिए बोझ के समान होता है और उसे हर समय घुटन बनी रहती है। नकारात्मक विचार आते हैं, इन स्थानों से निकल जाने के बावजूद वो वहाँ के अनुभव कभी नहीं भूल पाता। जिस व्यक्ति की पत्नी का स्वभाव बेहद झगड़ालू हो, उसके लिए ये जीवन नर्क के समान होता है। ऐसी स्त्रियाँ छोटी छोटी बातों पर बड़ा विवाद करने लगती हैं, उनकी वजह से पूरा परिवार परेशान रहता है। नंबर 3, पुत्र को पिता की बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है। लेकिन अगर पुत्र मूर्ख हो तो जीवन भर माता पिता पर बोझ के सामान बन जाता है। ऐसे पुत्र जिनके बुढ़ापे में भी माता पिता को चिंता करनी पड़ती है, उस माता पिता का जीवन हमेशा अभिशाप की तरह है। नंबर 4, जब कोई पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो अत्यंत सुख का अनुभव करता है, लेकिन अगर वही बेटी विधवा हो जाए तो माता पिता का जीवन नर्क बन जाता है। ये दुख माता पिता को तोड़ कर रख देता है और ये चाह कर भी इस दुख से निकल नहीं पाते। नंबर 5, सेवा हमेशा ऐसे लोगों की करनी चाहिए जो जरूरतमंद हो। अगर आप किसी ऐसे परिवार की सेवा करते हैं जिसे समाज में नीच यानी दुष्ट या कपटी माना जाता है, तो ये सेवा आपके लिए दिन भर किसी दुख से कम साबित नहीं होगी। ऐसे लोग वक्त आने पर अपना असली रंग दिखा देते हैं। नंबर 6, यदि आपको हर वक्त ऐसा भोजन करना पड़े जिसमें स्वाद ना हो और ना ही पौष्टिकता हो, तो ये भी एक प्रकार का दुख ही है। ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव का बन जाता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद।